अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन. इट्स मी सदफ हेयर एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द बेस्ट मॉइस्चराइज़र विच आई गेट. सो दिस इज़ पॉन्स सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र और आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. क्या रिव्यूज़ रहे, बहुत हाइप भी क्रिएट हुई इसको लेके मार्केट में, और जिसकी जो अच्छा पार्ट था ना वो नॉन स्टिकी फ़्रेश फील के साथ है ये. तो मुझे चेक करना था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मॉइस्चराइज़र भी हो और मतलब नॉन स्टिकी टाइप भी हो. ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत सी वीडियोस ख़ुद भी देखी थी जब मुझे परचेज़ करना था. तो जब मैंने अभी कुछ रिसेंटली लास्ट टाइम आपको आइडिया होगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी हाइलुरोनिक एसिड को लेके कि वो हमारी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा होना चाहिए. तो जब मैंने ये देखा कि इस ब्रांड में इस प्रोडक्ट के अंदर हाइलुरोनिक एसिड एंड प्लस विटामिन ई का जो है वो बहुत ज़्यादा मेंशन किया गया है, तो क्यों ना इसे एक ट्राई दिया जाए. सोचा कि इसे लिया जाए, ट्राई किया जाए और फिर आपसे शेयर किया जाए. जी हाँ, तो इसे ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं एज़ द ब्रांड रिकमेंड टू देयर कस्टमर्स के आप जो हैं इसे कौन कौन यूज़ कर सकता है, और ज़्यादातर जो है इसे ऑयली स्किन टाइप वाले भी यूज़ कर सकते हैं. तो जी सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है. इसमें मौजूद है हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई जो कि 48 आवर्स तक आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है. और आजकल जिस तरह का वेदर है, वेदर या रूटीन हमारी है जिसमें हम पानी के कंजम्पशन ज़्यादा नहीं करते हैं. मैं ख़ुद भी प्रॉपर पानी नहीं पी पाती और एक टास्क के तौर पर लेती हूँ कि मैं आज इतना पानी पीऊँगी, लेकिन फिर भी अपनी रूटीन के हिसाब से मैं नहीं ले पाती. तो जी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल जेल फॉर्म में है, तो ये लाइट वेट है, ये कंपनी क्लेम कर रही है. अच्छा जी, ये ऑयली स्किन के लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है. ये कंपनी ख़ुद भी बताती है कि जो अगर आपकी ऑयली स्किन है ना और आपको ऑयल बहुत ज़्यादा आता है तो आप मॉइस्चराइज़र के लिए परेशान रहते हैं कि कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जो लाइट वेट हो, जो मेरी ऑयली स्किन पे ज़्यादा रिएक्शंस ना दे, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं. अच्छा जी, इसमें ग्लासरीन एंड नियासिनामाइड भी शामिल है जो कि एक अच्छे इंग्रेडिएंट हैं एक अच्छी हेल्दी स्किन केयर ब्रांड के लिए. ठीक है, और अब मैं आपको एक चीज़ कुछ बताऊंगी जो फ्यू मेरी रिसर्चेस थी और जिसको मैंने ट्राई करने के बाद मुझे कैसा एक फिलर मिला वो मैं आपको बताऊंगी. मैंने इसे मेकअप से पहले ट्राई किया था इन समर्स, स्पेशली अभी लास्ट टाइम कराची में जिस तरह का मौसम था, मानसून एंड गर्मी, तो उस हीटअप वेदर में मुझे कुछ ट्राई करना था अपने फेस पे मेकअप से पहले, तो मैंने इसे ट्राई किया था. तो इसमें इसके बाद ना हमें प्राइमर की नीड नहीं रहती, तो ये बहुत ही अच्छा जो है ना इसका नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, मुझे बहुत अच्छा लगा. इसकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. ठीक है जी, ओपन पोर्स वालों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें नियासिनामाइड शामिल है जो कि आपके पोर्स को क्लोज करने में बहुत हेल्प आउट करता है. नॉर्मल स्किन के लिए भी अच्छा है, ऑयली के लिए भी अच्छा है. ड्राई स्किन के लिए मैं इसको इतना नहीं दूंगी कि ये बहुत अच्छा है, बट सही है. अब हम आएंगे इसकी पैकेजिंग की तरफ. पैकेजिंग देखें, ये बॉक्स पैक में आता है जो कि मुझसे मिस आउट हो चुका है. तो मैं आपको जार दिखा रही हूँ कि इस तरह का जार है और इसकी एक्सपायरी भी मेंशन है, प्रोडक्शन डेट वगैरह सब चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं. तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस तरह फाइल करने के लिए कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है. अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने जब इसे ट्राई किया था ना तो फर्स्ट डे मुझे थोड़ा सा स्टिकीनेस अपने फेस फील हुई थी. लाइक जैसे आप एलोवेरा जेल अप्लाई करते हो ना अपने फेस पर एक लेयर आ जाती है, उस तरह मुझे फ़ील हुआ था. लेकिन जो सेकेंड एंड थर्ड टाइम जब मैंने यूज़ किया तो शायद मेरी स्किन को उसकी आदत हो गई है कि ऐसी चीज़ की एप्लीकेशन मैं अपनी स्किन पे कर चुकी थी, तो मुझे कुछ इतना वेट फील नहीं हुआ जो कि मुझे पहले दिन हुआ था. जब हम जार खोलते हैं तो इस तरह से इसका एक कैप इसके अंदर भी मौजूद है इनसाइड, जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो बाहर ना गिरे, विच इज़ वेरी गुड. एक अच्छा हाई एंड ब्रांड जैसा वाइब देता है ये भी चीज़. ठीक है, और इसमें जेल फॉर्म में प्रोडक्ट है जो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ मैं आपको वो दिखा रही हूँ. और इसको देख के मुझे न्यूट्रोजेना का हाइड्रा बूस्ट मॉइस्चराइज़र जो है न्यूट्रोजेना हाइड्रा बूस्ट मॉइस्चराइज़र उसकी याद आ गई. वो भी कुछ इसी टाइप का ही है और उसकी भी टेक्सचर जो इसी टाइप का है. अच्छा, मुझे ना इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि ये एक्वा ब्लू कलर में जो है बॉटल है और इसकी वाइब को मैच करने के लिए मैंने कुछ बैकग्राउंड के साथ भी गेम खेला है और जितना मुझसे हो सका. तो यहाँ मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपने लगाया है, लाइक जैसे आपने कोई प्राइमर लगाया हो या एलोवेरा जेल लगाया हो, और इस तरह से आपकी स्किन को एकदम फुली सा कर देता है, एकदम प्लम्पी सा कर देता है, एकदम से मॉइस्चराइज़ कर देता है. और बिलीव मी जब मैं इसे मेकअप से पहले अप्लाई करती हूँ तो मुझे काफ़ी अपना फेस जो है ना वो कूलिंग इफेक्टिव लगता है। ये मेरी स्किन के साथ शायद हो फेस पे। I have a normal to sensitive skin right now just because of heat and weather। वैसे मेरी स्किन नॉर्मल है तो उस पर मुझे थोड़ा सा कूलिंग सेंसेशन भी इसमें फ़ील हुई थी और वो पूरे दिन मुझे ऐसा लगा कि मतलब ना हेल्दियर सा फिलर मुझे आ रहा था। तो ओवरऑल इसकी ये पैकेजिंग है और इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपका बाहर बहुत ज़्यादा आना जाना है, आप मेकअप अप्लाई करते हैं उससे पहले अगर आप इसे लगाएंगे तो एक फ़्रेश लुक आपको फ़ील लगेगा, फ्रेशी से फीलिंग आपको आएगी। इसकी प्राइसेस के हिसाब से ये एक बेस्ट बाइंग प्रोडक्ट है। 800 इसके प्राइसेस हो चुके हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी टाइम फॉर द वन पर्सन ये चलेगा और आपको एक अच्छे रिजल्ट देगा। जिस ब्रांड का नाम मैंने पहले मेंशन किया था कि न्यूट्रोजेना का हाइड्रा बूस्ट, से ये बहुत ज़्यादा मिलता है और इसका टेक्सचर भी और इसका वर्क भी ऑलमोस्ट उसके ड्यूब के तौर पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके प्राइसेस बहुत हाई हैं, जो उसके यूज़र हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। तो मेरी तरफ से ये आपको 110% रिकमेंडेड है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना, अपनी स्किन रिजीम में लाजमी रखना फॉर स्पेशली समर सीज़न, क्योंकि ये आपके स्किन में मेकअप से पहले जो चीज़ें करने वाला है ना वो आपको बहुत आगे पसंद आने वाली हैं। ठीक है, ये कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, ये कोई ऐसे थिकर लेयर नहीं बनाता जिसके ऊपर आपका बेस या आप कंसील की ज़रूरत ना पड़े, बट ये आपकी स्किन को फ्रेश करता है। और मेकअप से पहले अगर आप इसे अप्लाई करें तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसे एटलीस्ट 5 मिनट्स लाजमी दीजिएगा। ठीक है, बस यही आज की वीडियो थी। वीडियो को लाइक करना पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, मुझे अपनी कमेंट्स का भी ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस ब्रांड पर देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।